वेलकम वेलकम इन एजुकेशन न्यूज़ ओनली यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज है 1 अप्रैल 2024 और आज का जो डिस्कशन होने वाला है वो SBI क्लर्क एग्ज़ाम 2024 को लेकर होने वाला है। इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर बात करेंगे और कट ऑफ बिल्कुल स्टेट वाइड होगी, तो आप जिस भी स्टेट के हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपकी कट ऑफ आप तक पहुँचे और आपका रिजल्ट कब तक आएगा इसको लेकर भी बात करेंगे। तो इन दोनों ही डाउट को बिल्कुल सॉल्व किया जाएगा। प्लीज़ आप वीडियो में बने रहिए और चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो फ्रेंड्स, अपन कट ऑफ से पहले रिजल्ट के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि देखिए हाल ही के अंदर SBI जो PO था इसका फाइनल रिजल्ट 19 मार्च को आया था, तो इसका रिजल्ट आने में भी 1.5 महीने का समय कम से कम लगा ही था। हमारी एग्ज़ाम 4 मार्च को हुई है, अभी तो देखो आप 1 महीना भी पूरा नहीं हो रहा है और हम रिजल्ट की डिमांड कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल फेयर नहीं है, अनफेयर चीज़ है। मतलब हम करीब करीब इसको 20 अप्रैल के आसपास मान सकते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है हमारे तक पहुंचे, क्योंकि पूरा जो अभी देश में चुनाव का माहौल है तो आप समझ सकते हैं सारी चीज़ें किस और मुड़ी हुई है और कहाँ पर बिजी है। अब अपन कट ऑफ को लेकर बात करते हैं, तो फ्रेंड्स आपको पता है 25 फरवरी को फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में हमारी एग्ज़ाम हुई है। फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था फ्रेंड्स, यहाँ पर मॉडरेट टू टफ था और सेकंड शिफ्ट में पेपर बहुत ज़्यादा टफेस्ट था, बहुत ज़्यादा। फिर हमारी जो 4 मार्च की एग्ज़ाम हुई थी उसमें पेपर का लेवल मॉडरेट टू, मतलब इजी टू मॉडरेट इसको मान सकते हैं। तो यहाँ पर एक डाउट ये सॉल्व करना था मेरे को कि सर किसी का टफ आ रहा है, किसी का मॉड लेवल आ रहा है, तो बिल्कुल आप टेंशन ना ले, जब भी नॉर्मलाइजेशन होगा तो टफ वालों को फ़ायदा होगा, इजी वालों को थोड़ा नुकसान होगा। तो देखिए यहाँ पर एक एवरेज अटेम्प्ट क्या रहना चाहिए था, बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते थे। हमारे शिफ्टों के हिसाब से या हमारे इस एग्ज़ाम के हिसाब से एक बेस्ट अटेम्प्ट क्या रह सकता था, इतना तो आपको बनाना ही था फ्रेंड्स। इंग्लिश में आपको 22 नंबर एक गुड अटेम्प्ट होने चाहिए थे, 22 क्वेश्चन। क्वांट के अंदर फ्रेंड्स आपको लगभग 15 क्वेश्चन के करीब सही करने थे इस बार। 23 के करीब रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी आपको सही करने थे और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 17 क्वेश्चन के आसपास आपके सही होने चाहिए थे। तो ये एवरेज अटेम्प्ट होना चाहिए था, क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स आपकी जो कट ऑफ होती है वो लगभग पोस्ट पर डिपेंड करती है, डिफ़िकल्टी के लेवल पर डिपेंड करती है और अटेंडेंस पर डिपेंड करती है, और लास्ट ईयर की कट ऑफ पर भी थोड़ी बहुत डिपेंड करती है, क्योंकि इससे एक आंकड़ा पता लगता है, इससे एक डेटा पता लगता है कि इतने तो कट ऑफ टच हो ही रही है, तो हो सकता है कि इसके करीब आगे कट ऑफ पहुँच जाए। लेकिन हम अब बात करते हैं स्टेट वाइज, तो अगर आप उत्तराखंड स्टेट से हैं तो इनकी जो कट ऑफ है वो 74 के आसपास जानी चाहिए। असम की कट ऑफ फ्रेंड्स यहाँ पर 68 के करीब। छत्तीसगढ़ की कट ऑफ की मैं बात करूँ तो 73 के आसपास। गुजरात वालों की कट ऑफ 69 के आसपास। 76 पे कट ऑफ हरियाणा एंड हिमाचल की रहेगी। बात करूँ अगले स्टेट जम्मू की तो 74 के आसपास। कर्नाटक की 66, MP की 73, महाराष्ट्र की 72, 69 पे UP वालों की लगभग, पंजाब वालों की 73 के आसपास, राजस्थान की 74 के आसपास, तेलंगाना के 70, 75 पे वेस्ट बंगाल। थैंक यू फ्रेंड्स एंड प्लीज़ मेक अ सपोर्ट, आपका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है इस चैनल के लिए, क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा तो ही हम वीडियो बना पाएंगे और आप तक जो भी अपडेट्स हैं उसे हम पहुंचा पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।